अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा शेख। आप देख रहे हैं क्लासर न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फैसलाबाद में अलमुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड फैसलाबाद का एक और इनकलाबी कदम। अलमुस्तफ़ा कुरान अकेडमीज के बाद अलमुस्तफ़ा फाउंडेशन कंप्यूटर कॉलेज का शानदार इफ्तिताह योम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर राना मोहम्मद इमरान सदर अंजमन ताजरान अल हाइट ग्रुप मिल्लत चौक डॉक्टर खालिद हुसैन मरकजी चेयरमैन अलमुस्तफ़ा फाउंडेशन मोहम्मद नासिर कादरी डिवीजन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद जलई सदर अलमुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन मोहम्मद अफजल कटारिया हसनैन बशीर सेक्रेटरी आईटी मियां जुबैर इंचार्ज कॉलेज मोहम्मद अली क्लासन मिदा हुसैन क्लासन मोहम्मद अवैस मुस्तफ़ाई मोहम्मद नुमान मोहम्मद मुजम्मल और दिगर अहबाब मोहब्बत ने किया। इस मौके पर तारक चिश्ती रिवीजन सदर राना साजिद अली एडवोकेट लीगल एडवाइज़र भी मौजूद थे। हसनैन बशीर सेक्रेटरी आईटी ने बताया कि अलमुस्तफ़ा फाउंडेशन गरीब इलाकों में जदीद तालीम बिल्कुल मामूली फीस में देने के लिए कोशा है। हमारा मकसद तालीम बराए तरबियत और हुनरमंद है। आईटी इस वक्त हर अदारे की ज़रूरत है और आईटी में महारत रखने वाले इस वक्त बेरोजगार नहीं है। राना मोहम्मद इमरान ने कहा कि अलमुस्तफ़ा फाउंडेशन के तमाम प्रोजेक्ट माशाल्लाह आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए हैं। अंजमन ताजरान अलाइट ग्रुप कदर की निगाह से देखती हैं। डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद ने तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया।